बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में आपसे ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसमें जो है मैंने डोरी का यूज़ करते हुए नीचे इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है और इसमें मैंने कटवर्क किया राउंड शेप में और इसके ऊपर जो है मैंने एक पल्स अटैच किया है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। तो ब्लैक कलर का ट्राउज़र है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले हम डोरी के नीचे वाली डिज़ाइनिंग जो है रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले डोरी रेडी करेंगे। डोरी की डिज़ाइनिंग के लिए जो है मैंने इस तरह से डोरी रेडी कर ली है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में जो है आपके साथ डोरी रेडी करने का तरीका शेयर किया है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैं डोरी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ जो है मैं इसको कटिंग कर लूँगी 6 इंच पे। तो यहाँ मैंने डोरी रेडी करके इसकी जो है मैंने 6 इंच की जो है इस तरह से लेंथ में जो है कटिंग कर ली है इस तरह से। बाकी सारी भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ जो है मैंने साइड डोरियाँ इस तरह से कट कर ली हैं। कट कर लेने के बाद जो है अब हम इसे पेपर के ऊपर अटैच करेंगे। तो उसके लिए जो है मैंने इस तरह से पेपर की कटिंग कर ली है। इसकी जो मैंने इस तरह से विड ली है वो मैंने 1.25 इंच ली है और इसकी लेंथ जो है वो मैंने 14 इंच जो है ले ली है। अब जो है हम सारा डिज़ाइन डोरी का इसके ऊपर रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम एक एक जो है डोरी को इसी तरह से राउंड करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा जो है हम इसको इस तरह से राउंड करेंगे। तो इस तरह से जो है मैंने राउंड कर लिया है। ये वाला हिस्सा जो है हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। ये हमारा जो है सिलाई में कवर हो जाएगा और बाकी जो है हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो इसको जो है हम इस तरह से पेपर के ऊपर रखते जाएंगे और किनारा जो है वो इस तरह से रखते हुए दरमियान में बिल्कुल इसके जो हमने डिज़ाइन रेडी किया राउंड शेप में इसके दरमियान में इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो सारी जो है हम डोरियों का इसी तरह से डिज़ाइन रेडी कर लेंगे पेपर के ऊपर और दरमियान में जो है सिलाई लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से सारा डिज़ाइन पेपर के ऊपर रेडी कर लिया और यहाँ जो है डोरियों को मैंने इस तरह से सेट करते हुए सारी यहाँ किनारे पर भी सिलाई लगा ली है और डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया। अब जो है हम इसको डिज़ाइनिंग के साथ अटैच करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले बुकरम का डिज़ाइन जो है कटिंग कर लेंगे। तो बुकरम का डिज़ाइन रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से बुकरम ले ली है। इसकी जो मैंने इस तरह से विड ली है वो मैंने 2.25 इंच ली है और इसकी लेंथ जो है वो मैंने 15 इंच ली है। तो इसको जो है हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके दरमियान में जो है इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है, इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब जो है हम इसको ऊपर जो है किसी भी राउंड शेप में जो है किसी भी चीज़ के साथ जो है इसके ऊपर राउंड शेप देंगे। इसको इसी तरह से रखते हुए हम सारी इसकी राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ जो है मैंने इसको इस तरह से राउंड शेप दे दिया। अब हम इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने डिज़ाइन कटिंग कर लिया। इस तरह से हमारे पास 2 डिज़ाइन रेडी हो जाएंगे। अब एक डिज़ाइन जो है वो हम लॉग कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे और एक हम ट्राउज़र के साथ फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे। तो दोनों डिज़ाइन जो है वो मैं प्रेस की मदद से अटैच कर लूँगी। तो यहाँ जो है मैंने दोनों डिज़ाइन इस तरह से अटैच कर लिए। एक मैंने ट्राउज़र के साथ अटैच किया और एक जो है मैंने अलग फैब्रिक के ऊपर अटैच किया। तो इसके अंदर से ही मैंने ट्राउज़र के अंदर से इसकी फोल्डिंग रख ली है और जो मैंने अलग अटैच किया है इसकी बैक साइड से इस तरह से मैंने फोल्डिंग रख ली है। अब जो है हम इसका इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और कटिंग करते हुए इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो है हमने जो अलग डिज़ाइन बनाया है वो हम इसके नीचे इस तरह से अटैच करेंगे। तो सारा डिज़ाइन हम इसी तरह से सबसे पहले सिलाई लगाते हुए सीधा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। जो है मैंने सारी इस तरह से सिलाई लगा ली है राउंड शेप में। अब जो है हम इसकी कटिंग करते हुए दरमियान से इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया, इसकी फोल्डिंग कर ली है और यहाँ भी जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके दोनों साइड से जो है इसकी फोल्डिंग अंदर की तरफ कर ली है। अब सबसे पहले जो है हम इसके यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो किनारे पर सिलाई लगाने से पहले हम इसके अंदर इसी तरह से डिज़ाइन अट
पैर रखेंगे और इस तरह से स्ट्रेट सिलाई हम लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से स्ट्रेट जो है सिलाई लगा ली है, डिज़ाइन मैंने इस तरह से अटैच कर ली है। अब जो है पेपर को हम नीचे से रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने पेपर रिमूव कर लिया है, इस तरह से डिज़ाइनिंग रेडी हो गई है। और नीचे वाले ट्राउज़र के साथ जो हमने डिज़ाइन अटैच किया था इसके भी हमने किनारे पर सिलाई लगा ली है। अब जो है हम इसको इसी तरह से राउंड शेप्स को जो है एक दूसरे के सामने रखेंगे और रखते हुए जो है इनको जॉइंट जो है लगा लेंगे। तो यहाँ जो है आप पल्स के साथ भी इनको अटैच कर सकते हैं, लेकिन पल्स जो है वो निकल जाते हैं। तो इसके लिए जो है मैं नीचे इसके अलग जो है फैब्रिक अटैच करूँगी, उसके साथ हम इसको अटैच करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसके जो हमारे पास राउंड हिस्सा है इसके लिए जो है हम स्ट्रेट पट्टी रेडी करेंगे। तो इस तरह से जो है मैंने स्ट्रेट पट्टी एक रेडी की है, सिलाई लगा के मैंने इसको कवर कर लिया दोनों साइड से। अब जो है हम इसको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेंगे। तो इस तरह से जो है मैंने इसकी कटिंग की है, तो तकरीबन जो है आधा इंच तक जो है आप इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद जो है हम इसको इसके नीचे रखते हुए इसी तरह से अटैच करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से रखूँगी और इस तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी। तो बाकी भी सारे राउंड हिस्से के नीचे जो है हम इसी तरह से एक एक जो है जॉइंट हम लगाते जाएंगे। तो सारे मैं इसी तरह से इर्द गिर्द सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद हम ट्राउज़र के साथ इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने स्ट्रेट पट्टी जो है इस तरह से इसके किनारे पर अटैच कर ली है राउंड हिस्से पर, और बिल्कुल किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा ली। अब ट्राउज़र के साथ जो है हम इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से जो है हम सिंपल इसको इसी तरह से रखते हुए इसके भी बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और बिल्कुल राउंड हिस्सा जो है इस तरह से सेट करते जाएंगे। जो है मैंने डिज़ाइन इस तरह से अटैच कर ली है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब जो है हम इसके ऊपर इसी तरह से पल्स लगा लेंगे और उसके बाद जो है हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने पल्स इस तरह से अटैच कर लिए हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। मैंने इसको जोड़ने के बाद जो है इस तरह से पल्स इसके ऊपर अटैच कर लिए हैं और यहाँ जो है मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है बहुत ही सिंपल तरीके से। मेरे ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग रेडी हो गई है। तो आज की जो मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।